ओम शांति। 15/10/2020 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, नाजुक पना भी देह अभिमान है। रूसना, रोना, यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। प्रश्न, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यह सब नाजुक पना है। यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर हो जाना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, देही अभिमानी बने तभी बाप को याद कर सकें। वह है अज्ञान काल, यह है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सदगति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उसको भगवान नहीं कह सकते। अब आत्माएं तो सब निराकारी ही हैं, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं, तुमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो, और कोई उपाय नहीं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है, पावन आत्माएं हैं सतयुग त्रेता में। पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती है। सीढ़ी में भी समझाया है, जो पावन थे वह पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी, उसको कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं तब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते हैं, बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, वह सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्राय लोप हो जाता है, बाप को आकर सुनाना पड़ता है। यह मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए हैं। सत्ययुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं, वहां भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं। अभी बाप कहते हैं, तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूँ, दैवी गुण भी धारण करने हैं। रूसना, रोना, यह सब आसुरी स्वभाव है। बाप कहते, दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है। नाजुक पना नहीं, मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, यह भी नाजुक पना है। इनका स्वभाव ऐसा है, यह ऐसा है, वैसा है, यह कुछ भी रहना नहीं चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसको गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। देह अभिमान होने के कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती हैं, इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। बाबा समझाते हैं, यह भी ड्रामा अनुसार होता है, सुधरना भी तो है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उन्होंने का काम ही है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती है तो वह कुछ हंगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है, यह मिट्टी सारी भरो, अगर कोई ना आया तो गोली के मुंह में। गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े। बाप कहते, तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। बाप जहां भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए, नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, वह फिर दिल पर नहीं चढ़ते। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहते 10 माइल दूर है, सर्विस पर तो जाना पड़े ना, खर्चे का ख्याल थोड़े ही करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है, उनकी श्रीमत पर ना चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है, अपनी आंखों को सिविल बनाओ, काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे, 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाप कहते हैं, मुझे बच्चों के बगैर तो कोई जान ना सके। कल्प पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे,
यह है बिल्कुल नई नई बातें। यह है गीता का युग, परंतु शास्त्रों में संगम युग का वर्णन नहीं है, गीता को ही द्वापर में ले गए हैं। लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा ना, परंतु किसकी भी बुद्धि में यह बातें नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। यह उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती हैं, माया के नशे में एकदम चकनाचूर हैं। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है, पहले तो दैवी गुण भी चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है, यह मैं नहीं कर सकता हूँ, इसको कहा जाता है ना फरमान बरदार श्रीमत मिलती है। ऐसा ऐसा करना है तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है, वह है ही सदगति दाता, दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है, गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है, सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था, फिर चेंज कैसे होती है यह कोई नहीं जानते। सभी घोर अंधियारे में हैं, समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा रेगड़ी पहन रहा है, तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे, वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों, यह भी लिखना चाहिए रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाप समझाते हैं इस दुनिया में सभी मनुष्य हैं देह अभिमानी, मैं आत्मा हूँ यह कोई नहीं जानते। बाप कहते किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है, मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की है, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो, चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, ज्ञान आधा कल्प चला फिर भक्ति शुरू हुई, अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। यह दुनिया ही बदलती है, कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां है ही पूज्य। बाप कहते बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो, आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गवाए, मिला कुछ नहीं, माया ने एकदम माथा मोड़ लिया, कंगाल बना दिया, फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं, बाबा ने समझाया है यह भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुणी बन गए हैं, वह और धर्म वाले भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है, शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले थोड़े ही धनवान होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए, अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है, अंधश्रद्धालु भी भारत है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते मैंने जिसको हेवन बनाया है वह हेल बन गया है, मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं, उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार बड़े कड़े होते हैं, क्रोध कितना है, तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीठे मीठे शांत अति मीठे बनो। यह भी जानते हो कोटों में कोई ही निकलते हैं राजाई पद पाने वाले। बाप कहते मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने, उसमें भी 8 रत्न मुख्य गाए जाते हैं, 8 रत्न और बीच में है बाप, 8 है पास विद ऑनर्स, 100 भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है, देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं उन्हों का भी ऐसे होता है, बैठे बैठे देह त्याग कर देते हैं, बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है, और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। रात को मनुष्य गंध करते हैं, सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान करने लगते हैं, पूजा करते हैं, बाप सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अल्फ का परिचय दो, पहले अल्फ और बे,
बाप को तो एक ही निराकार है, बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं मामे कम याद करो, देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे फिर किसको हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो। 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं, चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा नहीं। बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम टिक टिक करते हो तो उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, गले ही घुट जाते हैं। पहली पहली बात अल्फ की उठाओ, टिक टिक करने से समझ थोड़े ही सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया है तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं, सर्विस नहीं की। बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ कैसे जाएं? अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक इसको नहीं बनाया है तो तुम किस काम की? बाबा ने हुक्म किया झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है, बाकी तो सब है घोड़े सवार प्यादे। सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया है तो क्या करते थे? इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया है जो सेंटर संभाले? कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अक्ल चाहिए। मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया एब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना, पतित दुनिया को पावन बनाना यह घेराव डालना है ना। सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरा, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है अर्थात घेराव डालना है। वरदान, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप जगे बच्चे की ज्योत हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है, इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप बच्चे जग की ज्योति हो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। ओम शांति। लाख करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लाख करे तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे।